Hello students, today we start our first chapter, plant food producer. Plant food producer, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है कि प्लांट जो है वो फूड प्रोड्यूसर मतलब भोजन उत्पन्न करने वाले खाद्य उत्पादक होते हैं। खाद्य उत्पादक भोजन बनाना, भोजन बनाने का काम तो हम भी और आप भी तो करते हैं, तो यहाँ पे प्लांट्स को क्यों लिखा गया है। आज हम इसी टॉपिक पर कंसल्टेशन करेंगे कि क्यों प्लांट्स को फूड प्रोड्यूसर कहा जाता है और क्यों ऐसा होता है जो प्लांट से वही भोजन बना पाते हैं हम और आप अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं है। अब आपके मन में ये प्रश्न जो सबसे पहले आया होगा वो ये कि हम तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, डेली जो हम कंज्यूम करते हैं, जो खाते पीते हैं उसे हम खुद बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। वो भोजन जो हमें मिलता है, मिलता तो पौधों से ही है ना। जैसे अगर आप ब्रेड खा रहे हैं, रोटी चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, वो कहाँ से आ पाए, सबसे पहले उसे कौन बनाया, हम उसे प्लांट से प्राप्त किए ना, पौधा उसे बनाया ना। तो वही चीजें इस चैप्टर में हम डिटेल से जानेंगे कि प्लांट्स जो है कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, और हम वही काम क्यों नहीं कर सकते। और इस चैप्टर में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में भी हो सकेगा बताया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट, गेटिंग स्टार्टेड, टेक द फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। यहाँ पे ये जो आपको देखिए कुछ पिक्चर्स जो शो की जा रही हैं, नीचे जो है ब्लैंक बॉक्सेस हैं, इसमें ऐसी वस्तुएं जो हमें पौधे से प्राप्त होती है, जैसे फ्रूट जो हमें पौधों से प्राप्त होता है, तो इसमें जो वस्तुएं जो चीज आपको लगता है कि हमें प्लांट से मिलती है उसके नीचे आपको ऐसे टिक लगाना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं टॉपिक पर। प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट टू अस, दे प्रोड्यूस all the food that animals including humans eat. पौधे जो हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर पौधे नहीं रहेंगे तो जो चीज हम अपना खाते हैं, सभी जानवर खाते हैं, वो कौन बनाएगा, क्योंकि उस चीज को प्रोड्यूस तो प्लांट ही करते हैं ना। तो इसीलिए बताया गया है प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू अस, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दे प्रोड्यूस ऑल द फूड दैट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ईट, चाहे हम और आप हो, चाहे कोई भी मानव हो या चाहे कोई जानवर हो, हम सभी लोग जो भोजन करते हैं वो सब भोजन प्लांट ही बनाते हैं। Animals depend either directly or indirectly upon plants for their food. तो जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, या हम और आप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए इन पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। एक चीज थोड़ी चर्चा कर ली जाए, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, यहाँ पे है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो थोड़ा इमेजिन करिए, यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा है, पिक्चर जो दिखाई दे रही है, ये फ्रूट है। फ्रूट हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, जाहिर सी बात है प्लांट से, पेड़ पौधों से। अब आते हैं मिल्क पर, ये मिल्क हमें कहाँ से प्राप्त हुआ। अब कोई ऐसा प्लांट तो है नहीं जो मिल्क को डायरेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये मिल्क जो है एनिमल्स जैसे काउ हो गए, गॉट्स हो गए, एंड बफेलोस हो गए, ये मिल्क हमें उनसे प्राप्त हुआ ना। लेकिन उन एनिमल्स के अंदर ये मिल्क बना कैसे, क्योंकि वो जो है घास को खाए और अदर प्लांट्स को खाए, तो फूड बनने का रियल काज क्या हुआ, ये मिल्क बना किसकी वजह से, प्लांट्स की वजह से ना।
तो ये देखिए, जब ये फल फ्रूट हम तुरंत प्राप्त कर लिए तो वो डायरेक्टली हुआ, और जब इस मिल्क को हम किसी माध्यम से प्राप्त किए तो वो इनडायरेक्टली हुआ। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि सभी एनिमल्स प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर, पौधों पर निर्भर होते हैं। बट हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड? लेकिन ये पौधे अपना भोजन बनाते कैसे? दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं, उसकी क्या प्रोसेस होती है? ग्रीन प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू यूटिलाइज सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर टू मेक देयर ऑन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स हरे पेड़ पौधे होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। और वे अपना भोजन बनाते कैसे हैं? वे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस पाई जाती है, उस गैस का यूज करके, सनलाइट का यूज करके और वाटर का यूज करके प्लांट अपना फूड बनाते हैं। और जब प्लांट अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो प्लांट अपना भोजन कैसे बनाए? ग्रीन प्लांट वे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीन से जल ग्रहण करते हैं और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को लेके क्लोरोफिल की सहायता से वो अपना भोजन बनाते हैं। एंड दैट इज द मेन कॉज दैट वी आर नॉट एबल टू प्रिपेयर आवर फूड, क्योंकि पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और वही क्लोरोफिल हमारे आपके अंदर नहीं मिलेगा। दस दे आर फूड प्रोड्यूसर। तो देखिए, जो प्लांट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वे अपना भोजन स्वयं बना लिए, तो इसीलिए जो है इन्हें क्या कहते हैं? फूड प्रोड्यूसर, मतलब खाद्य उत्पादक। टाइप्स ऑफ लीव्स, यहाँ देखिए दिया गया है पत्तियों के प्रकार। यहाँ पे आपको देखिए जो क्लियर है, कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स की लीव्स जो है आपको दिखाई गई है। पत्तियों के प्रकार जानने से पहले हम ये आपको बता दें, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो पत्तियों का होता है। तो अब ये तो जरूरी है कि हमें घर पत्तियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, लीव्स के बारे में। सो लेट्स देखते हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। वी कैन आइडेंटिफाई अ प्लांट बाय इट्स लीव्स। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे जो आम का पौधा होता है उसकी पत्ती अलग तरह की होगी, जो नीम का पौधा होता है उसकी पत्ती अलग तरह की होगी, जो रोज का प्लांट होता है, छोटा प्लांट होता है, उसकी लीव्स भी अलग तरह की होती है। तो जितने प्लांट होते हैं प्रायः उनकी पत्तियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, और उन पत्तियों को देख के हम उस पौधे को पहचान सकते हैं। आप किसी पौधे को पहचान सकते किसकी सहायता से कर रही है, आप ये सोचे। जैसे आप किसी प्लांट को देखकर तुरंत बता दिए ये नीम का पेड़ है, आप कैसे पहचान लिए नीम का पेड़ है? उसे आप जो सबसे पहले जो चीज उसकी आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, वो उसकी लीव्स होती है, उसकी पत्तियां होती हैं। तो यही आपको कहा गया है कि जो अलग अलग प्रकार के प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, और पत्तियों के द्वारा उस प्लांट को हम पहचान सकते हैं। डिड यू नो में लिखते हैं, क्या आप जानते हैं? स्पाइंस ऑफ कैक्टस आर मॉडिफाइड लीव्स। यहां देखिए कैक्टस का फ्लेवर तो नहीं है, लेकिन आप देखे होंगे कैक्टस में राजस्थानी गुलाब उसे कहते हैं। आप लोग देखे होंगे एक प्लांट होता है जिसमें कुछ इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, तो वो जो कांटे होते हैं वास्तविक रूप में वो कांटे नहीं होते, वो जो है एक तरह की पत्तियां ही होती हैं, जो कि कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं, ताकि उस प्लांट से इवेपोरेशन जो है वो कम हो।
कई पार्ट होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम किसी भी पत्ते को, किसी भी लिंग को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अ लीफ हैज टू मेन पार्ट्स, फर्स्ट द लीफ लाइन एंड सेकंड वन इज पेटियोल। किसी भी लीफ में दो पार्ट होते हैं, पहला होता है लीफ ब्लेड और जो दूसरा होता है वो पेटियोल होता है। यहां देखिए ये लीफ का स्ट्रक्चर दिया गया है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये जो लीफ की मार्जिन्स है, जो कोने हैं, वहां पे लीफ ब्लेड राइट किया गया है, ये पेटियोल है, ये जो है मेन लीफ है एंड ये साइलेंस। तो इस फिगर को समझाने से पहले यहां हमने थोड़ा सा दिखाया गया, उसे हम पढ़ लेते हैं फिर उसे हम एक्सप्लेन करते हैं। लीफ ब्लेड और लैमिना इज द ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द लीफ ब्लेड। जो लीफ ब्लेड होता है ये देखिए, ये मार्जिनल पार्ट, जो मार्जिनल पार्ट है, जो लीफ ब्लेड होता है वो इसका एक बड़े भाग को कवर करता है। ये देखिए पूरा यहां से लेके यहां तक, तो जो लीफ ब्लेड होता है वो फ्लैट मींस सपाट और इसके ज्यादातर भाग को कवर करता है। और जो फोटोसिंथेसिस, अभी पीछे बताया था फोटोसिंथेसिस क्या होती है, पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, तो यही जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो इस लीफ ब्लेड पर ही होता है। ईच लीफ ब्लेड हैज अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स, द वेन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड मेन लीफ। यहां देखिए बताया गया है कि जो प्रत्येक ये जो लीफ ब्लेड होता है, इस लीफ ब्लेड में, इस लीफ ब्लेड से जुड़ी हुई एक जाल के आकार की, जाल की तरह की कई सारी वेन्स पाई जाती हैं। अब यहां पे मेरा और जो है वेन्स आ गया, वेन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा कंसल्ट करते हैं। वेन में समझ लीजिए, जैसे हमारे और आपकी बॉडी में जो नसें पाई जाती हैं उसी तरह ये पत्तियों जो है वेन्स पाई जाती हैं। तो आप वेन्स को एक तरह से पत्तियों की नस कर सकते हैं। नसों द्वारा क्या काम होता है, साधारण सी बात है, किसी भी चीज को जो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक सप्लाई करना, सेम वर्क यहाँ पे यूज का होगा। यहाँ देखते हैं, इसमें देखिए आपको दो तरह के वेन्स मिलेंगे। ये देखिए वेन्स जो है, आप पत्ती में देखिए एक तरह का स्ट्रक्चर आप इस तरह से देख रहे हैं, सर ये जाल की तरह फैला हुआ है, यही जो है वेन्स इसका। तो इसमें आपको दो तरह के वेन्स दिखाई देंगे। पहला वेन देखिए ये एकदम सीधे गया है, इस लीफ को टू हाफ में डिवाइड कर रहा है, इसे जो है हम मेन वेन्स कहते हैं, मुख्य शिरा कहते हैं। ये जो है बी रहा था, इसे मेन वेन्स कहते हैं। और इसे ये जुड़ी हुई देखिए, ये जो है अलग अलग छोटी छोटी वेन्स हैं, इसे हम साइड वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइड वेन्स। द मेन फंक्शन ऑफ वेन्स आर टू कैरी मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द स्टीम टू द लीफ एंड टू कलेक्ट फूड मेड बाई लीफ एंड सप्लाई इट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जैसा कि हम कुछ देर पहले आपको बताए, हमारे शरीर में जो काम नसों का होता है वही काम वेन्स का इन लीफ में होता है। कहने का तात्पर्य ये जो वेन्स होती है लीफ में, ये स्टीम से, तने से मिनरल और वाटर को कलेक्ट करती हैं और उस मिनरल्स और वाटर को पत्तियों तक पहुंचाती हैं, ताकि पत्तियां उस भोजन को बना सके। और जब पत्तियां भोजन बना लेती हैं तो उस भोजन को पौधे के विभिन्न भागों जैसे रूट, ब्रांचेस, स्टीम, इन तक पहुंचाने का काम भी जो है इस वेन्स का ही होता है। साधारण उदाहरण के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, समझिए जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन बनना हो, तो क्या करते हैं कि आप सभी लोग सबसे पहले जो
सभी सामान मेटेरियल होते हैं उसे हम लोग जमा करके देते हैं, और उसके बाद जब भोजन बन जाता है तो वो भोजन भी नाम को मिलता है। तो बस यही सेम जो है इस लिव में भी है, आप जो है एक वेज की तरह कार्य कर रहे हैं, मतलब जो मेटेरियल है भोजन बनाने के लिए उसे पहुंचा रहे हैं, और फिर जब भोजन मिल जाता है तो उसे प्राप्त करके दूसरे भागों तक पहुंचा रहे हैं। अब पेटियोल और लीफ स्टाफ इज अ स्टीम लाइक पार्ट ऑफ अ लीफ दैट जॉइंस द लीफ ब्लेड टू द स्टीम। पेटियोल, पेटियोल को हम साधारण भाषा में डंठल कह सकते हैं। पेटियोल देखिए यहां पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये धीरे धीरे स्टीम है, ये लीव्स है, और ये जो बीच वाला पार्ट ये पेटियोल है। पेटियोल का वर्ड क्या है, ये इस पत्ती को इस स्ट्रीम से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है कि नहीं। तो बस लीफ का वह पार्ट, वह भाग जो उस लीफ को, लीफ ब्लेड को उसके स्ट्रीम से जोड़ता है, उस पार्ट को हम लीफ ब्लेड कहते हैं। अब आगे हम जो लीफ है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना का तात्पर्य यह होता है जैसे हमारा और आपका शरीर देखने में एक सामान्य सा शरीर है, लेकिन इसके अंदर कई सारी संरचनाएं होती हैं। तो उसी तरह जो पत्ती है, जो लीव है, उसके अंदर भी आपको कई तरह की संरचनाएं मिलेंगी। वो हमें सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन जब हम उसका एलएस या टीएस सेक्शन लेते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। तो यहां पे उन्हीं इंटरनल स्ट्रक्चर के विषय में चर्चा की जाएगी। वी कैन नॉट सी सम पार्ट्स ऑफ अ लीफ डायरेक्टली बट We can see them through the cross section of the leaf by examining it under the microscope. These parts play an important role. पत्तियों के कुछ भाग ऐसे होते हैं जिन्हें डायरेक्टली मतलब सीधे आंखों से नहीं देख सकते। उन पार्ट्स को देखने के लिए उस पत्ती का जो हमें क्रॉस सेक्शन लेना पड़ता है। क्रॉस सेक्शन का तात्पर्य यह है किसी पत्ती को लेके उसे ब्लेड द्वारा महीन पार्ट्स में डिवाइड करके उसकी स्वाई बनाई जाती है। इन क्रॉस सेक्शन को जब माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाकर देखा जाता है, माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो ये देखिए इंटरनल पार्ट्स के लिए उसके ये हमें तब दिखाई देते हैं। और ये इंटरनल पार्ट्स होते हैं कि भोजन बनाने में पत्तियों में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। द आउटर और अपर लेयर ऑफ अ लीफ कंटेन्स ग्रेन सेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। किसी भी पत्ती की, किसी भी लीफ की जो सबसे बाहरी सतह होती है, उस बाहरी सतह को हम क्लोरोप्लास्ट। इसका जो कलर है दैट इज ग्रीन, ये हरा कलर का होता है, और ये हरा कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल दैट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। दैट मीन पत्तियों का कलर हरा होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति से, और ये क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। द लोअर लेयर ऑफ अ लीफ कंटेन्स मेनी स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब किसी पत्ती को आप लेते हैं तो जो उसकी निचली सतह होती है, नीचे वाली सतह, उसमें जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं।
जिससे इवेपोरेशन और बाकी सब प्रक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। ये जो छिद्र पाए जाते हैं पत्तियों में, एक तरह समझ लीजिए पत्तियां जो है किसी छिद्र के द्वारा सांस लेती हैं, जो गैस है उनका एक्सचेंज होता है। तो ये जो छिद्र लोअर सर्फेस में पाए जाते हैं छोटे छोटे, इन छिद्र को हम स्टोमेटा कहते हैं। प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू दीज स्टोमेटा। जो प्लांट्स होते हैं वो गैसों का एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और प्रोडक्ट के फलस्वरूप ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो ये प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? इसी स्टोमेटा के द्वारा। आप एक तरह समझ लीजिए जैसे हम लोगों के ब्रीदिंग के लिए नोज है, सेम वही जो फंक्शन है स्टोमेटा का देख सकते हैं। स्टोमेटा आल्सो गिव आउट एक्सेस वाटर, वही चीज है जो पत्तियों में जब ज्यादा जल जमा हो जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए, उसका इवेपोरेशन कराने के लिए जो स्टोमेटा है एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। डी यू नो, क्या आपको पता था? आप जानते थे स्टोमेटा आर फॉर्म्ड ऑफ टू गार्ड सेल्स दैट रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स। स्टोमेटा में जो है दो तरह की गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। ये दोनों जो गार्ड सेल्स होती हैं, स्टोमेटा कब खुलेगा और कब बंद होगा, इस चीज को डिसाइड यही दोनों गार्ड सेल्स करती हैं। यहां देखिए मैच द फॉलोइंग, इसे मैच करना है, आपको मिलाना है, ठीक है। ली ब्लेड मेनविन पेटियोल क्लोरोफिल। अब देखिए यहां भी ये सभी डॉक्टर हम आपको बता चुके हैं। जैसे यहां दिया ली ब्लेड क्या होता है, तो अब यहां देखेंगे इज द ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ। ये किसी भी लीफ का विस्तृत और सपाट पार्ट होता है, तो इसे आप इसमें आगे मैच कर देंगे। तो ये जाना जो है इसे मैच करना है, ये आपका काम है। हम आगे अपने टॉपिक पर चलते हैं। फंक्शन ऑफ लीव्स मीन्स पत्तियों का क्या कार्य होता है। क्या आप कभी ये सोचे हैं जो पत्तियां सर पॉज करिए